Assalamualaikum everyone and welcome back to the Yusuf Rizvi official channel. और आज मैं ट्रैवल के बारे में बात करूंगा. मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स और उसके बारे में बात की, मनी के बारे में. बट नाउ आई विल टॉक अबाउट ट्रैवल. सो ट्रैवल के बारे में अपडेट लेटेस्ट ये है कि PIA ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट दी थी. मेरी बात पहले वीडियोस आ चुकी है जिसमें मैंने बताया था कि PIA जो है सेंट्रल एशिया के लिए फ्लाइट स्टार्ट कर रही है. PIA ने अपनी सेंट्रल एशिया की फ्लाइट स्टार्ट कर ली हैं और उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो आ चुकी है फ्रॉम लाहौर टू बाकू. बाकू की फ्लाइट जो उनकी अनाउंस हुई है वो है 14th मई से स्टार्ट होगी. दैट मीन्स इमीडिएटली आफ्टर रमज़ान उनकी ये फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी. हफ्ते में दो फ्लाइट्स वो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम लाहौर टू बाकू एंड बाकू रिटर्न. और उसकी टाइमिंग्स है शाम को आप वहाँ पर 8 बजे पहुँचेंगे, फिर शाम को वहाँ से फ्लाइट चलेगी और शाम को 6 बजे आप वहाँ पहुँचेंगे, रात को वहाँ से 7:30-8 बजे फ्लाइट चलेगी और आप पाकिस्तान रात को 11 बजे पहुँच जाएंगे. हाउ सूटेबल दिस टाइमिंग्स आर बिकॉज अब आप वहाँ पर रात को पहुँचेंगे, शाम को इवनिंग में पहुँचेंगे और उसके बाद फिर आपकी वापसी की रिटर्न फ्लाइट है, दैट इज़ समथिंग दैट आई विल सी फर्दर. अब देखते हैं उसमें क्या रिएक्शन होगा. आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा टाइम अर्लियर करते, उससे ये फ़ायदा होता कि लोग अगर अपना दिन ज़ाया ना करते, क्योंकि अगर जब वो शाम को पहुँचेंगे वहाँ पर इमिग्रेशन करा के होटल पहुँचेंगे तो रात तक खाना ही खाएंगे और सो जाएंगे और अगला दिन उनके लिए होगा. और जो उनकी डेट्स ऑफ ऑपरेशन है वो है ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज. सो इन दो डेज के ऊपर जो है वो फ्लाइट ऑपरेट होगी. उसके अलावा PIA ने दोहा की फ्लाइट्स भी दोबारा अनाउंस करके फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल करने के लिए कर रही है अनाउंस. ताशकंद की फ्लाइट के ऊपर काम हो रहा है और उसके ऊपर उनके नई अनाउंसमेंट वेरी सून आने वाली है. इंटरेस्टिंग बात जो आपसे शेयर करूंगा कि जो फेयर अनाउंस किया है PIA ने फॉर बाकू फ्लाइट्स के लिए वो है फ्रॉम लाहौर एट 85,000 रुपीज. सो 84 समथिंग 85 इज़ द नॉर्मल फेयर बिकॉज डॉलर के हिसाब से प्राइसिंग होती है अब एयरलाइंस में और जैसे जैसे डॉलर नीचे होता है या ऊपर होता है वो प्राइस चेंज होती रहती है. सो 85,000 रुपीज़ इन कंपेरिजन टू अलॉट ऑफ अदर एयरलाइंस विच आर ऑपरेटिंग ऑन दिस सेक्टर. अगर आप देखें टर्किश एयरलाइन है, फ्लाई दुबई है या दूसरी एयरलाइंस अब एमिरेट्स कंसिडर कर रही है थ्रू फ्लाई दुबई फ्लाई करने के लिए, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी टू फ्लाई फ्रॉम लाहौर. बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट अदर सेक्टर्स लाइक फैसलाबाद और सियालकोट, वहाँ पे क्योंकि फ्लाई दुबई का ऑपरेशन है तो वहाँ पे प्राइस रेंज नियरली इक्वलेंट के करीब आएगी. तो विच इज़ गुड, यू आर ऑफरिंग अ डायरेक्ट फ्लाइट, आपको कहीं दुबई रुकना नहीं पड़ेगा. एक आई थिंक एक पॉजिटिव प्राइसिंग है. लोगों ने कुछ ने कहा कि नहीं आप प्रमोट करने के लिए प्राइस और डिक्रीज करें, बट मतलब कम ऑन इट्स बिजनेस. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आई थिंक दे प्राइस इट वेरी नॉर्मली. और अगर ग्रुप फेयर हुआ तो हो सकता है ग्रुप्स की तरफ में अगर उनको स्पेशल प्राइसिंग उन्होंने रिड्यूस करनी हुई तो उनके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि वो प्राइसेस को रिड्यूस कर सकें और लोगों को चीपर फेयर ऑफर कर सकें इफ इट्स अ बिगर ग्रुप. तो मेरे ख्याल में आई थिंक प्राइस वाइज भी ठीक है. द फ्लाइट इज गोना बी कन्वीनियंट. यहाँ से आप डायरेक्ट बैठेंगे, सीधा बाकू में लैंड करेंगे. वीज़ा इतना टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है. जो बाकू का ट्रैवल है वो बड़ा सिंपल है एंड आई थिंक दैट द PIA वो शुड बी इंशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल. इट्स आर ड्यूटी एवरीबडी, वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट के जैसे जैसे कोविड के बाद मुल्क अगर खुल गया है तो वी शुड प्रमोट दिस सेगमेंट फॉर PIA. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन करना ऐड करूंगा वो ये है कि द फ्लाइट ट्रैवल टाइम, यानी आपको यहाँ से जो फ्लाइट है बाकू की, इट्स जस्ट 3 hours and 20 minutes और 30 minutes और वापसी में शायद और भी कम पड़ के 3 hours के करीब पड़ेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. लाहौर से पाकिस्तान से ताशकंद की फ्लाइट जो जाती थी उज़्बेक एयरवेज ऑपरेट करती थी फ्रॉम लाहौर, दैट फ्लाइट वॉज ऑल्सो अराउंड 2 hours and 23 minutes. सो 2 hours और 3 hours के फासले के ऊपर जहाँ से आपको वाया दुबई या वाया ताशकंद जाना पड़ता था, नाउ यू बी फ्लाइंग डायरेक्टली टू बाकू. और बाकू बीइंग अ मुस्लिम कंट्री इट्स अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, प्रॉब्लम आसान है, वीज़ा इतना प्रॉब्लम नहीं है. ऑल ऑफ दिस इज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन PIA डिसाइडिंग टू गो फॉरवर्ड विद दिस फ्लाइट. जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया था द फेयर ऑफ द एयरलाइन फॉर दैट सेक्टर इज 85,000 रुपीज विच इज़ वेरी कंपेटिटिव इन कंपेरिजन टू अदर सेगमेंट्स. और उसकी वजह से रीजन ये है कि अगर आप सियालकोट से भी फ्लाई करेंगे तो इट इज़ गोना बी इन द सेम रेंज, बट अगेन आपको दुबई रुकना पड़ेगा और दुबई के बाद आपको जाना पड़ेगा. दिस विल बी अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम लाहौर. सो ये ट्रैफिक सारी लाहौर की तरफ आनी चाहिए, ग्रुप मूवमेंट होनी चाहिए, जैसे कोविड की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, पीपल विल स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड आई एम वेरी होपफुल कि PIA विल गेट लोड ऑन दिस फ्लाइट. सो फ्रॉम माई साइड एंड आई वुड लाइक टू विश देम एंड ऑन बिहाफ ऑफ check-in.pk आई वुड लाइक टू विश देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक. सो थम्स अप.